teman-teman, as kami dapat mengetahui di sini, berada luar aku berkaitan dengan digital communication. At we use this NSE issue to upgrade the construct of application middle for waiting for ठीक है. मैं अभी सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है वर्जन इसका जो है नया वाला, लेकिन उसको जब मैं अपग्रेड कर रहा हूँ आपके सामने, ये मैं अभी यूज करूँगी. ठीक है, ये पासवर्ड नंबर है, मैं इधर पासवर्ड देता हूँ. ठीक है फ्रेंड्स, ये अपडेट प्रो में आ गया. मैं सीसीयू को अपडेट करने की कोशिश करता हूँ. अपडेट सीसीयू दोबारा हो गया कमज़ोर ऐप. तो आपके सामने अभी ये एबट आ रहा है, एबट आ रहे हैं, इसका वर्जन भी आप चेक करें. सॉफ्टवेयर वर्जन इसमें है v2.0.0.0.0. इसमें ये मैं अपडेट कर रहा हूँ, लेकिन ये एबट आ रहे हैं. अभी मैं लैपटॉप से अपग्रेड करने की कोशिश करती हूँ आपके सामने. ठीक है, इनके अंदर कितनी मेरे लैपटॉप लगे. लैपटॉप सीसीयू के साथ लॉगिन है. अभी इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि सीसीयू में लॉगिन किस तरह होता है. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक मौजूद है. आप उधर से वीडियो लिंक पर क्लिक करके सीसीयू लॉगिन करने का तरीका सीख सकते हैं. ठीक है, अभी सॉफ्टवेयर अपडेट पर आप लोगों ने क्लिक करना है. सॉफ्टवेयर पर अपडेट पर मैंने क्लिक किया है. इसका ये सॉफ्टवेयर वर्जन और इसका जो रिलीज डेट है, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन शो हो रहा है. ठीक है, इधर आप लोगों ने वो सॉफ्टवेयर से वो वर्जन सेलेक्ट करना है जो वर्जन आप सीसीयू में आप अपग्रेड करना चाह रहे हैं. इधर आप लोगों ने इस चूज पर क्लिक करना है. चूज पर मैंने क्लिक किया. अभी मैं वो सॉफ्टवेयर ढूंढ रहा हूँ. ठीक है, जहाँ पर वर्जन पड़ा हुआ है वो वर्जन में ढूंढ रहा हूँ. टेलीकॉम सॉफ्टवेयर पर मैं क्लिक करता हूँ. पावर सेव सीसीयू फाइल भी इस पर मैं क्लिक करता हूँ. 2021 पावर सेव 2021 इस पर मैंने क्लिक किया. वेब थ्रू सॉफ्टवेयर में आप लोगों ने आना है. इधर आप लोगों ने पावर न्यू .tar.gz.2.x इस पर सेलेक्ट करना है और इसको आपने ओपन करना है. ठीक है, ये इधर तक आ गया ये वर्जन. अभी जस्ट आप लोगों ने इस अपलोड पर क्लिक करना है. तो ये अपलोडिंग अभी स्टार्ट है. अपलोडिंग, प्लीज़ डू नॉट परफॉर्म अदर ऑपरेशन. मैं इस सीसीयू में भी चेक करता हूँ. ठीक है फ्रेंड्स, इसी अपलोडिंग के दौरान आप लोगों ने एक केबल हिलाना नहीं है. ठीक है, लैंड केबल. ये यूएसबी से नहीं हो रहा था अपग्रेडेशन, तो मैंने लैपटॉप से किया. अभी लैपटॉप के सामने बिल्कुल आपके सामने लाइव वीडियो है. जिस टाइम कंप्लीट हो जाए तो मैं आप लोगों को देखा दूँगा. अभी मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ. अभी ये इसका जो वर्जन है वो अपलोड हो चुका है सक्सेसफुली. सीसीयू अपग्रेड हो गया है. अभी सीसीयू जब रिसेट हो जाए, रिसेट से जब रिस्टोर हो जाए, तो फिर हम सॉफ्टवेयर वर्जन इसका चेक करेंगे. ये नया वाला सॉफ्टवेयर इसके ऊपर अपलोड हो गया कि नहीं. ठीक है, फिर कन्फर्म हो जाएगा. अभी मैं सीसीयू की तरफ जाता हूँ. सीसीयू रिसेट के बाद फिर चेक करते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, ये सीसीयू जो है ना अभी रिसेट हो गया. अभी इसकी वर्जन हम चेक करते हैं, सिस्टम वर्जन. ठीक है, आप सामने देख सकते हैं पहले भी 2.06.0.07 था. अभी इसका जो वर्जन है वो चेंज हो गया है, 08 हो गया है. ठीक है, आप सामने देख सकते हैं. तो इस तरह का जब मसला आ रहा हो, एबर्ट वाला ऑप्शन आपको दे रहा है सीसीयू 5.1.3, तो वो आप समझे कि ये वाला सीसीयू आप लोगों ने यूएसबी से अपग्रेड नहीं करना, बल्कि आप लोगों ने लैपटॉप के थ्रू अपग्रेड करना होता है.
अभी इसका वर्जन चेंज हो गया है 0.8, तो अभी मैं इसको USB के ज़रिए भी फिल वाला वर्जन इसके ऊपर अपलोड कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन इससे पहले डायरेक्ट मैं USB से ना 8 वाला कर सकता था, ना 12 वाला कर सकता था, ना 2 वाला, वो मैंने लैपटॉप से किया। और अभी जब ये 0.8 पे शिफ्ट हो गया, तो अभी इसके बाद मैं इसमें दूसरा वर्जन भी USB से अपलोड कर सकता हूँ, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी लैपटॉप से 0.8 वाला वर्जन अपग्रेड हो गया। अभी इस लैन केबल को मैंने कहा था वो, और USB मैंने कनेक्ट किया है, ठीक है। ये USB कनेक्ट हो गया, ठीक है। USB अभी कनेक्ट हो गया, इधर निशान भी आ रहा है। अभी मैं USB से 12 वाले वर्जन को अपग्रेड करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो परफॉर्मेंस देने पर कर देता हूँ, अभी देखते हैं फिल वाला वर्जन जब मैं अपग्रेड करता हूँ, तो अभी देखेंगे कि अब डबल वाला ऑप्शन आ रहा है कि नहीं। न्यू डेस्क मैनेजर में आप लोगों ने इसके बाद नीचे अपडेट प्रो में आना है, अपडेट CSU में आना है, इस पर क्लिक करना है। और अपडेट डिटेल पर इसको आप लोगों ने यस करना है, एंटर करना है, दोबारा एंटर करना है, डाउनलोड ऐप स्टार्ट, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी आप सब देख सकते हैं डाउनलोड ऐप ये स्टार्ट है, प्रोजेक्ट स्टार्ट है। इस पर अभी एबल वाला निशान नहीं गया है आपके सामने, बिल्कुल ठीक है। इससे पहले एबल आ रहा था, मैंने लैपटॉप से इसको अपग्रेड किया था, इसको अभी एबल वाला निशान नहीं गया है, एबल वाला आई कम दोनों अभी बस स्टार्ट है, ये टाइम पे इस तरीके से एबल वाला एरर की जान बुला सकते हैं। तो ये था एक मुख्तसर से तरीका आप लोगों को समझाने का। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और हमारे आने वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ठीक है सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि और जितने भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन आसानी से मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।